नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुप्ता हाजिर हूँ क्राइम टाइम में। क्राइम टाइम आज आपको बताने जा रहा उत्तर प्रदेश के हरदोई में 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का ये मामला, जहां 6 वर्षीय मासूम अपने नाना के घर आई थी छुट्टियां बिताने। घर के बाहर खेल रही थी, घर के बाहर खेलते खेलते उसके पड़ोस में रहने वाला युवक उसके पास आया और भुट्टा खिलाने के बहाने उसे अपनी छत पे ले गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चे की रोने चीखने की आवाज़ें सुन के माँ बाप उसके छत तक पहुँचे, जहाँ का नज़ारा देख के सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वहीं पर मौके पर ही परिवारजनों ने युवक को पकड़ लिया। क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों नहीं थम रहा मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म की वारदात, क्यों नहीं आरोपियों को समझ में आता कि सख्त बन गया है कानून। अब आपको बताते हैं कि जब परिवार के जनों ने पकड़ा उस युवक को, उसके बाद क्या किया, उसका हश्र क्या हुआ उसके साथ, पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की बताते हैं विस्तार से। ननिहाल आई मासूम से पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, संडीला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के एक मोहल्ले में ननिहाल आई मासूम बच्ची को भुट्टा खिलाने के बहाने पड़ोसी युवक ने छत पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शोर सुनकर मासूम की मां मौके पर पहुंच गई और युवक को पकड़ लिया, लेकिन युवक हाथ छुड़ाकर भाग निकला। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने जांच की, देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अतरौली थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला का मायका संडीला कस्बे के ही एक मोहल्ले में है। वह 2 दिन पहले अपनी बेटी के साथ मायके आई थी। मंगलवार रात मासूम मकान के बाहर चबूतरे पर खेल रही थी, तभी मकान के सामने रहने वाला मोनू पहुंच गया। मोनू भुट्टा बेचता है। आरोपी ने भुट्टा देने के बहाने बच्ची को बुला लिया और अपने मकान की छत पर ले गया। यहां उसने मासूम से दुष्कर्म किया। मासूम के शोर मचाने पर उसकी मां ननिहाल के कई अन्य लोग पहुंच गए। इन लोगों ने मोनू को पकड़ लिया, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर कूदकर भाग निकला। जानकारी पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार यादव, सीओ संडीला महावीर सिंह और कोतवाल बेड़ी माधव त्रिपाठी मौके पर पहुंच गए। घटना की प्राथमिक जांच के साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू की गई। देर रात आरोपी को गांव के बाहर एक खेत से पकड़ लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने बताया कि मासूम की मां की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।